साथ में मेरा बहुत पिछले कई सालों से बहुत ही प्यारा एसोसिएशन रहा है, और इनके साथ में जब भी कोई शो करने की बात आती है तो कुछ नया अलग करने को मिलता है हमें। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ में आते हैं क्योंकि खुद म्यूज़िक की बहुत बड़ी समझ रखते हैं और ख़ुद म्यूज़िशियन भी हैं। और जब मेरे सामने ये इस शो को लेकर प्रस्ताव आया तो मैं बहुत खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ क्योंकि जिन म्यूज़िशियंस को लेकर स्वर आला ये ऑनर कर रहा है, उन म्यूज़िशियंस का उनके बारे में बहुत कम लोग, म्यूज़िक फ्रटर्निटी बहुत जानती है लेकिन क्या है ना, बहुत सारे लोग उनके बारे में, उनको उतना स्टेज पे नहीं बुलाया जाता या फिर उतना उनके बारे में कोई नहीं जानता, कोई पहचानता नहीं। अब जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो LP के बारे में सब जानते हैं लेकिन गोरख भाई के बारे में बहुत मुनासिब लोग जानते हैं। तो गोरख भाई एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने प्यारे भाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बहुत सारे, लगभग सभी गानों में अरेंजमेंट किया है, गिटार का जितने भी बहुत सारे पीसेज, जैसे एक एक हसीना की या फिर नज़र ना लग जाए, अनगिनत गानों में उन्होंने गिटार बजाया, तो उनको ऑनर कर रहे हैं। फिर राशिद भाई हैं, राशिद खान साहब बुलबुल तरंग में एक वाहिद शख्सियत हैं और एक अकेले, एक जिनको कह सकते हैं कि ना एक इंडस्ट्री में एक ही नगीना है, वो उनका हम ऑनर कर रहे हैं। तो दिनेश जी ने मुझे बताया कि ये उनका हम ऑनर कर रहे हैं और उसमें आपका हम परफॉर्मेंस चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो हमेशा राज़ी हूँ और हमेशा मैं आपके साथ में हूँ, आप मुझे याद रखते हैं। और इसके अलावा शशिकांत जी उनके बारे में, उन्होंने LP के सारे गानों का, जितने भी गाने आप रिदमिक गाने सुनते हैं, इंडियन बेस्ड रिदम गाने सुनते हैं, वो सब का रिदम अरेंजमेंट उन्होंने किया है। तो इन सभी को ऑनर कर रहे हैं स्टेज पर, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। और एक म्यूजिशंस को जब ऑनर करने को मिलता है तो एक उसकी अलग बात होती है। तो मैं इस शो का, इस पूरी शाम का एक हिस्सा हूँ और मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इस शाम के साथ में जुड़ा हूँ। थैंक यू दिनेश जी, आपने मुझे इसके लिए चुना है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो आने वाली ऑडियंस है वो इस शो का भरपूर मज़ा ले और मेरे परफॉर्मेंस का मज़ा उठा के जाए। एक लाइव कॉन्सर्ट करना और एक स्टूडियो में ऑडियो रिकॉर्ड करना, वो कितना डिफरेंस लगता है? दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का अपना एक मज़ा है। जब आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप एक ही चीज़ को 100 बार रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन ऑडियंस के सामने आपको 1 टेक ओके होना पड़ेगा। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, तो और उसका रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन आता है तो वो एक अलग अपनी मज़ा रहता है। जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ तो जब ऑडियंस मज़ा लेती है तो मेरा मज़ा दुगना हो जाता है। और स्टूडियो में जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे मन में है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। दोनों का अपना मज़ा है, आई थिंक मैं दोनों एंजॉय करता हूँ। स्वर आलाप पिछले 14 साल से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जब म्यूजिशियन परफॉर्म करते हैं तो जैसे लोग सारे सेलेब्स को, सारे यू नो फ्रंट लोगों को जानते हैं, जैसे रफ़ी साहब थे, किशोर कुमार थे, तो जितने टैलेंटेड वो थे उतने ही टैलेंटेड हमारे म्यूजिशियंस भी थे। तो हम लोग की ये बस एक छोटी सी कोशिश है और स्पेशल थैंक्स टू जावेद भाई कि ये प्रोग्राम में उन्होंने हमारा साथ दिया और इस कोशिश में हम वो ओरिजिनल लेजेंड्स म्यूजिशियन को फेलिसिटेट कर रहे हैं और ये कोशिश बस उसी का ये एक हिस्सा है। ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले का एक प्रोग्राम है। तो और ये स्वर आलाप आपको 14 साल पूरे हो गए हमारे ये काम करते हुए। एक बार फिर से ना, स्वर आलाप 14 सालों में कुछ लोगों से, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके नाम। स्वर आलाप की जर्नी जो शुरू हुई थी वो अकेले से शुरू हुई थी और आज स्वर आलाप की इस जर्नी में लेजेंड्स लाइक प्यारेलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जॉनी लीवर है और इंडस्ट्री के तमाम कृषि सर हैं, आज जावेद भाई भी इसमें जुड़ गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और हम लोग ये, और इसी तरह से शिवामणि हमारे साथ में जुड़े हैं और शुभा मुद्गल हमारे साथ और अनगिनत नाम है जैसे वो सब अपने साथ जुड़े हुए हैं। एक्टर्स में हम देखा तो जगदीप साहब जो थे एक्टर थे, और नए लोगों में काफ़ी लोग हैं जो शान हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल शेखर हमारे साथ जुड़े, हर साल के प्रोग्राम में कोई ना कोई अपने साथ, जो आज वो जगह पे शख्सियत है वो अपने साथ जुड़ी हुई है। मेरे गाने परफॉर्म करने वाला हूँ, इसके अलावा ये जो 3 लेजेंड्स हैं, गोरख भाई हैं, रशीद खान साहब हैं और शशिकांत जी हैं, इन तीनों के कुछ मिक्सचर गाने जिसमें इन्होंने रिदम अरेंजमेंट किया है या फिर बुलबुल तरंग बजाया है राशिद भाई ने या गोरख भाई ने गिटार बजाया है, वो मैं गाने कुछ एक मेडली के तौर पे मैं सुनाऊंगा। और अगर आप सुनना चाहते हैं मेरा एक कुछ गाना तो मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ।
तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही हासा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल।